प्रदेश में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है। लगातार बढ़ते अपराध को लेकर जहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में ही एक तस्वीर बेगूसराय के सदर अस्पताल से सामने आई है। दरअसल शराब मामले के फरार आरोपी रंजीत शर्मा बीमार होने के कारण सदर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। अब इनका कहना है कि ये बेल्ट टूटने के आरोपी है शराब कांड के, और उसके बाद उन्हें पुलिस अपने हिरासत में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। क्या मामला है और कब पकड़ा है? की होले कथिल पकड़ लको पुलिस? बेल्ट टूटल है। अच्छा, किस केस में बेल्ट टूटा था? दारोगा तारी शराब वाला में। यहाँ कितने दिनों से हैं अस्पताल में? 3 रोज। 3 रोज से यहाँ है? हाँ, 3 रोज। क्या नाम हुआ? रंजीत। हथकरी आपके को दे दिया? चौकीदार कहाँ है या जो पुलिस कर्मी है तो वो कहाँ है? वो तो इसको छोड़ के चला गया, बोला तुम अपना देखभाल कर रहा है। अपना देखभाल स्वयं करे बोला? हाँ। हथकरी देख चला गया, अब घर के भला उला कर दिया। ठीक। इस कैदी पर इतना भरोसा है कि न तो इसके पास पुलिस से कोई गार्ड है और न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस के जो चौकीदार को या जो सिपाही है उनको जिनको जिम्मेदारी मिली है किसे इलाज कराकर पुलिस कस्टडी में इलाज कराया जाए और उसके बाद जेल भेजा जाए, वो इतने इस पर भरोसा कर लिए कि हथकड़ी भी इसी कैदी के हाथों में देकर वो घूमने के लिए निकल गए। आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें इनके सुरक्षा में तैनात चौकीदार सदर अस्पताल में ही घूमकर अन्य मामलों को सुलझा रहे हैं, और कैदी अब को कहीं जाना हो तो हथकड़ी अपने हाथ में लेकर जा रहा है, वो इलाज करवा रहा है। उसका कहना है कि चौकीदार वो घूम रहा था। ऐसे में पूरे मामले को लेकर अब देखना ये होगा कि इस मामले में जिला पुलिस कप्तान किस प्रकार कार्रवाई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक और ये देखा जा रहा है कि बिहार में जेल तोड़कर भी कैदी भाग रहे हैं। ऐसे में पुलिस के लिए कैदियों की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण है कि पुलिस को कैदी किस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं और इस चुनौती के बीच पुलिस इस मामले को किस नजर से देखती है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सात गांव का रहने वाला है। बेगूसराय से न्यूज 18 के लिए नीरज कुमार।